जेम्स वेब जिसने सबसे पुरानी गैलेक्सी ढूंढी, जेम्स वेब जिसने मल्टीवर्स थ्योरी को प्रूव किया, जेम्स वेब जिसने एलियंस की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया, और रिसेंटली उसने जुपिटर के कई सारे राज भी खोले। लेकिन एक मिनट, जुपिटर के कई सारे राज? जुपिटर के बारे में तो हम सब कुछ ही ऑलमोस्ट जानते हैं। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये गैस जाइंट है, ये सबसे पुराना प्लैनेट है जो हमारे सूरज के साथ ही फॉर्म हुआ था। Well, really? क्या आपको ये पता था कि जुपिटर के पास भी सैटर्न के जैसे रिंग्स हैं? जुपिटर में भी ऑरोरास फॉर्म होते हैं। और क्या आपको ये पता था कि उसके मून के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है? और सूरज से इतना दूर होने के बावजूद भी उसका कोर सूरज के बाद हमारे सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट कोर है। और इन्हीं सारी चीजों को हमें जेम्स वेब ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो जुपिटर को डीपली जानने के लिए स्टार्ट करते हैं जुपिटर की स्टोरी। तो कहानी कुछ यूं है कि आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले जब सूरज बस पैदा ही हुआ था, तो अब जैसा कि ये सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट है, तो इस प्लैनेट का नाम रखा गया जोप, यानी रोमन मिथोलॉजी में द किंग ऑफ द गॉड। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पुराने प्लैनेट होने के बावजूद भी हम ये तक नहीं जानते थे कि आखिर इसका कोर कैसा है। सॉलिड है, तपता लावा है, लिक्विड है, और यही सब कुछ जानने के लिए नासा ने जूनो को 2011 को जुपिटर को स्टडी करने के लिए भेजा। अब उसको लॉन्च हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा शर्मीला सा जुपिटर आज तक अपने सारे सीक्रेट्स को छुपा के बैठा हुआ था। और एज अ रीजन जूनो की मदद के लिए नासा के अपने कई सारे टेलीस्कोप को जुपिटर की तरफ भेजना पड़ा, जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, जर्मन ऑब्जर्वेटरी और द लेटेस्ट एडिशन जेम्स टेलीस्कोप। अब सबसे पहले जूनो और हबल ने अपने यूवी और विजिबल लाइट डिटेक्टर्स की मदद से सिर्फ जुपिटर के सरफेस को ही देखा, क्योंकि उसके अंदर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए जर्मन ऑब्जर्वेटरी के पास हाई इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होने के बावजूद भी वो कुछ ही डेप्थ तक जुपिटर को स्टडी कर पा रहा था। लेकिन जेम्स वेब, जो इसी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ ऊपर स्पेस से जुपिटर पर नजर रखे हुआ था, फाइनली ये जान गया कि सूरज से दूर होने की वजह से जुपिटर का सरफेस आपको इंस्टेंटली जमा दे ठंडी से, लेकिन उसका कोर फिर भी सोलर सिस्टम का दूसरा हॉटेस्ट कोर है। अब तक विजिबल और व्यूटी रेंज में खींची गई जुपिटर की इमेजेस ने हमें काफी पहले ही ये बता दिया था कि उसके ऊपर डार्क और लाइट बैंड्स असल में 644 किलोमीटर पर आर रफ्तार से बहते अलग अलग गैसेस हैं, और वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शंस में बहते हैं। लेकिन अपोजिटली बहते और गैशियर बैंड्स ने आज से तकरीबन 400 साल पहले ही जुपिटर के साउथर्न हेमिस्फायर में बड़ा सा तूफान क्रिएट कर दिया था, जो कि इतना बड़ा था कि आज भी वो दो प्लैनेट्स पर आराम से निकल जाए, और उसका नाम रखा गया द ग्रेट रेड स्पॉट। एस्ट्रोनॉमर्स इस तूफान को कब से समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक और खबर सामने आ गई कि द रेड ग्रेट स्पॉट श्रिंक कर रहा है, यानी कि जुपिटर में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये स्टॉर्म थम रहा है, और उसकी नॉलेज हमारे दुनिया के स्टॉर्म्स को भी कंट्रोल करने में मदद दे सकता है। अब ये इमेजेस हैं जो कि रिसेंटली जेम्स वेब ने अपने नियर इंफ्रारेड कैमरा से खींची है। इसकी सिर्फ एक इमेज में भी तीन डिफरेंट कलर फिल्टर्स की मदद से जुपिटर से कई राज खोले गए हैं। सबसे पहले इस इमेज में जो रेड फिल्टर है वो उन चीजों के बारे में बताता है जो मोर और लेस ऊपरी लेयर्स में जैसे कि अमोनिया, आइस क्रिस्टल से भरे धुंधले क्लाउड्स और उससे ऊपर अरोरा शाइन करते हैं। जी हाँ, जैसा हमने पहले भी बताया था कि जुपिटर में भी अरोरा शाइन करते हैं, लेकिन हम तो जुपिटर के मुकाबले में सूरज से ज्यादा करीब है, तो हम पर इतना इंटेंस अरोरा क्रिएट करने वाला सोलर फ्लेयर्स आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जुपिटर की तरह अजीबोगरीब मून्स नहीं है। जी हाँ, जुपिटर पे अरोरा शाइन सूरज नहीं बल्कि उसके तीन सबसे करीबी चांद प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली आईओ और जेनिमेड। अब अगर हम जेम्स वेब की इस इमेज को और अच्छे से देखें तो सिर्फ अरोरा ही इस पर ब्यूटीफुल नहीं है, जुपिटर के गैशियर बैंड्स भी काफी खूबसूरत हैं। उसका एटमॉस्फेयर अमोनिया क्रिस्टल्स, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसे ऑर्गेनिक गैसेस से भरा हुआ है। अब हाइड्रोजन और हीलियम कंपैरेटिवली हल्के होते हैं, तो वो ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं और मीथेन गैस नीचे चली जाती है, लेकिन नीचे तो गर्म कोर है और ऊपर तो ठंडा स्पेस है, तो ऐसे में नीचे की गैस गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, और फिर ऊपर की गैस ठंडी होकर भारी हो जाती है और नीचे बैठने लगती है, और इसी गैशियर मूवमेंट्स की वजह से क्रिएट हुआ है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टॉर्म द ग्रेट रेड स्पॉट। अब इसी इमेज में ग्रेट रेड स्पॉट सबसे अलग व्हाइट नजर आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि इस पूरी इमेज में कलर के अलावा शेड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने भी ब्राइटर शेड्स वाले एरियाज हैं वो असल में हाई एल्टीट्यूड एरिया में चीजों को दिखाता है।
यानी कि ग्रेट रेड स्पॉट सुकड़ रहा है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जुपिटर जो कि एक मैसिव प्लैनेट है, उसका कोर सूरज इतना गर्म है, सूरज के साथ साथ ही तकरीबन बना है, और जैसा कि हमने अभी देखा कि वो अभी सूरज की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से ही भरा हुआ है, तो क्या सोलर सिस्टम के शुरुआती सालों में इसका 1% भी चांस था कि आज हमारे सोलर सिस्टम में शायद एक ही जगह दो सूरज होते? वेल नहीं, एक्चुअली कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जुपिटर एक फेल्ड स्टार है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली सोलर सिस्टम के शुरुआत से ही सूरज से ज्यादा जुपिटर ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया। उसने कई ऐसे इनकमिंग एस्ट्रॉइड्स को ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच कर दूसरे प्लैनेट्स की जान बचाई है। इतना मास जमा करने के बावजूद भी जुपिटर की लोकेशन ही ऐसी थी कि सूरज जितना मास आखिर गेन कर ही नहीं पाया, और आज अगर उसे छोटा सा भी स्टार बनना है ना, तो अपने प्रेजेंट मास से उसे एटलीस्ट 85 टाइम्स और मास जमा करना पड़ेगा। मतलब मार्स और जुपिटर में मौजूद सारे एस्ट्रॉइड्स को भी जुपिटर खा ले ना, तब भी वो एक फेल स्टार नहीं बन सकता। तो जुपिटर एज अ फेल स्टार इज जस्ट अ मिथ। लेकिन थैंकफुली जेम्स वेब की वजह से आज ये सारे मिसकंसेप्शंस आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। तो अब जेम्स वेब के इतने ओवरवेलमिंग सक्सेस ने हमें और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को काफी फायदा पहुंचाया है।